दोस्तों हम बात करें नारी सुरक्षा की। आज हमारे देश भारत देश में आज भी ऐसी महिलाओं के साथ दुर्घटना होती है जिन्हें बेटी पैदा करने पर उन्हें पेट में ही मार दिया जाता है, उसका उसकी भी हत्या की जाती है। दोस्तों हमारे भारत देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बेटियों की पैदा होने पर मातम मनाते हैं और बेटे की पैदा होने की चाह रखते हैं। हमारे भारत देश में आज अगर महिला और पुरुष के बीच का भेदभाव समाप्त नहीं किया गया तो हमारे देश का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। दोस्तों हम बात करें महाभारत की तो द्रौपदी को भरी सभा में दांव पर लगा दिया गया था, उस पवित्र महिला का भरी सभा में चीरहरण किया गया था। दोस्तों आज मैं एक महिला के साथ हुई घटनाओं को आप सबको उसके साथ रूबरू कराना चाहती हूँ। दोस्तों इतनी वो अंधेरी रातें थी उन दरिंदों ने मुझे चारों ओर से घेरा था, एक ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, दूसरे ने मेरा आंचल खींचा था। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं पूछती हूँ दोस्तों क्या इतनी वो अंधेरी रातें थी, क्या इतने वो सुनसान सड़के थे जो किसी ने मुझे न सुन सका न किसी ने मुझे देख सका। दोस्तों इतना ही नहीं, ये पूरी समाज उल्टा मुझसे ही सवाल किया गया, क्यों निकली थी तुम उस अंधेरी रातों में, क्यों नहीं था तुम्हारे साथ कोई उस अंधेरी रातों में, क्या मेकअप किया था तुमने, क्या आभूषण पहने थे तुमने जो खून से लथपथ तड़प रही थी तुम उस अंधेरी रातों में। ये कहने वाले सरकार मोदी की सरकार क्या आपको जरा भी दिशा नहीं आई और रोड पर तड़प रही बेटी कल मानसी से पहले आपकी भी हो सकती है। दोस्तों मैं एक पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, लेकिन दोस्तों इन सब रिश्ते को निभाने के लिए बेटी जिंदा होनी चाहिए। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जय कांग्रेस। धन्यवाद।